डेरा सिरसा मुखी राम रहीम दीआं मुश्किलां वधदीआं होईआं नजर आ रहीआं ने। दरअसल सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों राम रहीम नूं इस मामले विचों बरी कीते जाण दे हाई कोर्ट दे उस फैसले नूं चैलेंज करन वाली पटीशन ते सुनवाई कीती है ते इस विच सीबीआई दे कोलों रिपोर्ट भी मंगी गई है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ते सतीश चंद्र शर्मा दी बेंच पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट दे पिछले फैसले नूं चुनौती देण वाली पटीशन ते सुनवाई कर रही सी। पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट ने मई विच रणजीत सिंह कतल केस विचों गुरमीत राम रहीम नूं बरी कर दिता सी। पांच होर दोषियां अवतार सिंह, जसबीर सिंह, सबदिल सिंह ते कृष्ण लाल नूं उम्र कैद दी सजा सुनाई गई सी, जबकि इंदर सैन दी मुकदमे दौरान मौत हो गई सी। सीबीआई दे अनुसार साबका डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह दी 10 जुलाई 2002 नूं गोली मार के हत्या कर दित्ती गई सी, क्योंकि राम रहीम नूं शक सी कि मृतक ने एक गुमनाम पत्र दे प्रसारण पिछे उस दीआं महिला अनुयायियां दे जिनसी शोषण दे मामलियां नूं शामिल कीता सी। मई विच एक सुनवाई दौरान जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर अते ललित बत्रा दी हाईकोर्ट दे बेंच ने कहा सी कि सीबीआई अपराध दे इरादे नूं स्थापित करने विच असफल रही है अते इस्तगासा पक्ष दा मामला शक्कां विच घिरिया है। पंजाब अते हरियाणा हाईकोर्ट ने नवंबर 2023 विच जांच अपने हाथ विच लै लई। हाईकोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी ने अपराध दी नुकसान अते अधूरी जांच कीती सी अते इकट्ठे कीते सबूत भरोसे दे लायक नहीं सन। गुरमीत राम रहीम दो साधवियों नाल बलात्कार करन दे मामले विच जेल दे विच बंद है अते 20 साल दी सजा भुगत रहा है। उस नूं 2017 विच दोषी ठहराया गया सी ते उदों तों ही ओह 10 वार पैरोल या फरलो ते जेल दे विचों बाहर भी आया है। 13 अगस्त नूं भी ओह 21 दिनां दी फरलो ते जेल दे विचों बाहर आया सी। गुरमीत राम रहीम पिछले 13 महीनियां दे विच कुल 131 दिन जेल तों बाहर रहा। अपनी शानदार जीवन शैली लई जाणे जाणे बाबा राम रहीम नूं फरवरी 2022 विच 21 दिनां दी छुट्टी दित्ती गई सी। पैरोल जून विच 30 दिनां लई दित्ती गई सी, फिर अक्तूबर विच 40 दिनां दे लई फरलो दित्ती गई सी ते 21 जनवरी नूं उस नूं होर 50 दिनां दी परमिशन बाहर जाण दी दित्ती गई सी। सुप्रीम कोर्ट ने राम रहीम सिंह नूं नोटिस जारी करके 2002 च साबका मैनेजर रणजीत सिंह दी हत्या दे मामले दे विच जवाब मंगिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार नूं सुनवाई दौरान पंजाब अते हरियाणा हाईकोर्ट दे हुक्मां दी जांच करन लई सहमति भी प्रगटाई है। कतल केस विच हाईकोर्ट दे हुक्मां नूं चैलेंज देण वाली पटीशन सुप्रीम कोर्ट दे विच दाखल कीती गई सी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी अते सतीश चंद्र शर्मा दी बेंच ने इस मामले विच राम रहीम अते होरां नूं नोटिस जारी करके 4 हफ्तिआं दे विच जवाब मंगिआ है। दरअसल इह पटीशन जगसीर सिंह वल्लों एडवोकेट सत्या मित्रा राहीं दायर कीती गई सी, जिस विच हाईकोर्ट दे इस साल 28 मई दे हुक्मां नूं चैलेंज किया गया। 10 जुलाई 2002 नूं रैणा दे कुरुक्षेत्र दे पिंड खानपुर कोलियां विच डेरा समर्थक रणजीत सिंह दी गोली मार के हत्या कर दित्ती गई सी। एक गुमनाम पत्र सामने आउण तों बाद उसदी पक्की भूमिका लई कथित तौर ते उसदी हत्या कर दित्ती गई सी, जिस विच दस्सिया गया कि किवें डेरा मुखी राम रहीम वल्लों डेरा हैडक्वार्टर विच औरतां जिनसी शोषण कीता जा रिहा सी। बरी करन दा फैसला राम रहीम अते 4 होरां वल्लों हाईकोर्ट वल्लों विच दायर अपील ते आया, जिस नूं अक्तूबर 2021 विच पंचकूला हरियाणा दी विशेष सीबीआई कोर्ट ने दोषी ठहराया सी। सीबीआई कोर्ट ने इस मामले विच राम रहीम, अवतार सिंह, कृष्ण लाल, जसबीर सिंह ते सबदिल सिंह नूं उम्र कैद दी सजा सुनाई सी। मुलजमां विचों एक इंदर सैन दी 2020 दे विच सुनवाई दौरान मौत हो गई सी।